क्वेश्चन ये है भैया, ए नंबर किसे किसे भाग देना है? एक्स माइनस ए में, एक्स माइनस ए में, ए से ना किसमें इतना है ना, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन ए ना। हाँ वो भैया और इस क्या करवा दिए आई दुक्का पर मैं आएगा ना तेल करने चार्ज लगा दी इसको मैं चार्ज वर्ती कर हाँ गुलाब गुलाब एक राज के नाम भाग दे कितना बार लगा चार बार में चार बार तो प्लस क्या कर देंगे गुलाब कर दो चार से चल चार चार बार चार पांच पांच है बोलो क्या करवाना एक चार ना कॉपी ना मैथ बोला गुणा होगा इसमें क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस ए में ए स्क्वायर गुणा करेंगे कहां हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा चीज़ बदलता है पहले से तो माइनस में पहले सट गया अब आगे सोचो ये कर गया ये कितना नौ है ना ये नौ का है चला यार एक ये है ना प्यार ये क्या ये है और यहाँ क्या है ये है ना देखिए ऊपर का माइनस है चल का क्या पहले से ये कट गया बचा कुछ सिक्स एक्स माइनस एक अब दे और यहाँ भी क्या है यहाँ कितना है सिक्स कितना इस एक्स में कितना गुणा करेगा सिक्स एक्स प्लस में छह प्लस में माइनस कितना गुणा करना पड़ेगा छह से और एक से यहाँ भी एक से एक्स से गुणा करना पड़ेगा नहीं ना अब छह से क्या गुणा करेंगे कितना हो जाएगा छह से आगे माइनस ए में छह से करेंगे कितना हो जाएगा छह ए हो जाएगा हमेशा देखना है कि इसका जो पहिलका है ना इस पहिलका में कोशिश गुणा कर देगा सेम टू सेम आ जाएगा पुराना चिन्ह होता है बदलल का चिन्ह दिलाता है चिन्ह बदल रहता है ना प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस इसका चिन्ह कुछ हो गया प्लस हमेशा बदला हुआ चिन्ह लेते हैं जब एलसीएम नहीं निकलता है क्या करते नहीं लग रहा है क्या करते जब एलसीएम नहीं निकलता क्या करते देखिए ना बना के चलिए
संख्या आठ, तुम पीछे जाओ, इसको बताना है। टेस्ट में पीटा किसको जाता है भैया? कम 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 नंबर लाएगा उसको ना पीटेंगे जी। एक घंटा बोल रहे कम नंबर आएगा वही ना पिटाएगा। अब 40 नंबर का टेस्ट था, 40 में 40 लेकर आए तो उसको काहे ना पीटे? शनिवार आपका ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, जोर घटा गुना में सब रहेगा, गुना तक रहेगा, घटाने में रहेगा, दशमलव वाला जोर रहेगा, दशमलव वाला गुना रहेगा। यही सब तो हम लोग फल के सब्जी फल के नाम क्या था है सुनिए फल का नाम क्या है फल का नाम बढ़िया कुछ था सब्जी का ठीक है ग्राम चल गया आए बच्चों बच्चों को बस सब कुछ ही था बस बना लेते हैं क्या क्या लाइए भैया तने मार दो कितना है यहाँ ही आराम से बैठे देखिए यहाँ कितना है चार, नीचे कितना है जगह मिल गया ना जी ऊपर कितना है चार, नीचे कितना है चार में से कम घटेगा नहीं तो क्या करेंगे? देखिए अगर आपके पास एक रुपया है मेरे पास दो रुपया है कोई सामान तीन रुपये में मिल रहा है ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा? आपको खाए के मन है मान लीजिए को बिस्कुट है टाइगर सुने बिस्कुट है आपके पास एक रुपया है मेरे पास दो रुपया, अब आपको टाइगर खाए का मन है क्या कीजिएगा? हमको से पैसा मांगिएगा पैसा दे देना दे 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 बाद में दे देंगे मांगिएगा ना ठीक है, हमको से मांगिएगा कोई से चाहे पापा से मांगिएगा पापा दो रुपया दीजिए ना बिस्कुट खाए का मन है तो पैसा मांगिएगा इस हमेशा पंचा कितना देता है पीछे वाला एक देता है अपना में से वो दे देगा एक का मतलब होता है दस कितना दस अपना में से कितना दे दिया एक एक का मतलब कितना दस दस अगर दे दिया तो कितना हो गया चौदह चौदह में से पांच घटा तो कितना हो गया नौ अब बता ये दो था एक इसको दे दिया
ये कितना हो गया एक अब बता एक में से आठ घटेगा नहीं तो फिर ये क्या करेगा अपन पीछे वाले से पैसा मांगेगा पैसा मतलब समझ रहे ना उधार मांगेगा कि हमारा एक उधार दे दे ये अपने से फिर इसको उधार दे देगा एक पैसा दे दिया एक एक देगा एक का मतलब कितना होता है दस तो दस इसको दे दिया कितना हो गया ये बारह हो गया बारह में से ये आठ घटेगा तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा घटा नहीं था ना चार में अब बताइए एक बटा दो का ठीक है इतना दुगुना करना है ना तो दुगुना चार एक्स दो से दो खत्म कितना ही आया टू एक्स स्क्वायर तो बनाना चीन बताइए पहले से था महीना फिर पहले से था महीना ऊपर सेम टू सेम कर गया अब स्क्वायर है ये स्क्वायर है माइनस तीन स्क्वायर में से दो स्क्वायर घट करके एक स्क्वायर चीन प्लस माइनस ना जी
इसका भी माइनस रहता, माइनस में इसका होता प्लस में होता, तीन दो कितना हो जाएगा, हां लेकिन चीनी किसका माइनस में आगे बता दो कौन कौन बचा प्लस 5 x प्लस 4 अब बताइए यहां x प्लस में है लाना है हमको माइनस, तो माइनस गुणा करना पड़ेगा ओके यहां x है हमको लाना है 5 x 5 तो 5 से x स्क्वायर तो वो x से गुणा करना पड़ेगा हो गया गुना कीजिए इससे इसमें कितना है माइनस 5 का स्क्वायर फिर तो माइनस है और यहां प्लस आ गया है माइनस प्लस है और यहां माइनस है अब देखिए 1 बटा 2 में गुना करना कितना है 5 से गुना होगा कटेगा नहीं कितने कितने छोटे कितना आएगा 2 बटा 12 में 5 बटा 2 5 x बटा 2 ना ये पूरा आंसर है ठीक है अब माइनस का प्लस में माइनस का कट गया अब x है ये भी x है जो माइनस ये देखिए प्लस में ये भी क्या है प्लस में तो 5x में क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना 5x बटा 2 जोड़िए जुटेगा सेल्सियम कैल्सियम लेंगे ना जी नीचे 2 ना ऐसे कुछ देखा जैसे लगे ना तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अब प्लस 5x हो जाएगा 10 और 5 कितना हो गया 15x बटा में ऐसे बदले कितना गया 15x बटा में अब बताइए अब लगेगा एक से लाना है कितना 15 बटा 2 कितना गुना करना पड़ेगा 15 से अब ये चिन्ह प्लस में कि माइनस में प्लस में 15 बटा 2 से गुना करना पड़ेगा 15 बटा 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 15 बटा 2 1 बटा 2 आएगा अब 1 बटा 2 में गुना करिए 15 बटा 2 से तो गुना होगा कटेगा ना ऊपर ऊपर गुना कितना आएगा लाइया हो गया अपना उनको तो नहीं भी आ गया खाली अच्छी नहीं है जो भी आ गया तो ये देख रहा है क्या 20 हमें पक्का ही लगता है ना कि चौथा वाला गलती पक्का नहीं है बहुपद px को x और x माइनस 1 x प्लस 1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात कीजिए पहले x से भाग देना है पूरा में और फिर x प्लस 1 से भाग देना है और शेषफल बता देना है शेषफल क्या है ये करो बोलो अब हम पढ़ेंगे वहां पर इनको बताना है इनको बताना है इनको बताना है इनको बताना है हमें ध्यान नहीं आना है सर सही सही वो पता है चलिए ऊपर जी हेलो कौन है क्यों जी में ऊपर जी पापा टाइम ऑन आई जी रिटर्न आ गया सुनो तू जो है हम बोलेंगे कि सुनो आठ आठ तीन ग्यारह ग्यारह में से लनवा कट कर दे भैया चौंतीस जोड़ ग्यारह चौंतीस 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 पैतालीस पैतालीस आपको क्या पूछ रहे हैं आपको गाने नहीं रहती हैं आपको सीखना है कि उनको सीखना
इतना भारी भारी दे दिया ना 45 भैया
चौदह छः चौरासी छः बार में नया जी चौदह का बारे में चौरासी कितने बार में आता है छः बार में तो छः से ऊपर गुना करके नहीं नहीं का नहीं बना है ये सब शिक्षा का कितना गया पीछे हम तो क्या बारे चुप करवाते हम तो नहीं बनवा नहीं बना बन गया चारों तरफ से बात करूं से बात ही करना चाहिए जोड़ने में तमाशा नहीं करना
बन सकता है, फिर से रिपीट हो बन सकता है, हम बना के दिखाएंगे आपको। कौन ना से बनने का है दादी, हमको माइक इसका डिस्टर्ब कर दिया, फिर से रिपीट कर दे। और मैं कुछ कर नहीं, मैं थोड़ा कौन किताब, मैं थोड़ा किताब लाओ। जाओ माइक किताब भैया और मैं जाने दीजिए ना, जा मैं नहीं आ रहा, एलसीएम ले नहीं ले नहीं आ रहा, एलसीएम चले चार छोड़ गए एलसीएम, ही एलसीएम लिया है आज हमको लगाना चार आवाज के सुनने का, तो भैया तूने ना किया था कौन भाई, आज दुक्का पर में तीन मारा तो क्या करा, देखिए तो काट दो उसको, ये दिमाग था नहीं आ रहा था पाई खींचने आए था दिमाग का, ये क्या दुक्का पर में तीन मारा क्या करा, मतलब देखिए यह माथा करा मार देंगे इसको, अगर नहीं हां नहीं काम मत मार, समझ में मार दूंगा तो बेला फाड़ दो, ये है कुछ जी शांति हूं, ये एक सांस हुआ तो अच्छा लगेगा, भाग देने का दूसरा होगा माइनस में चल कर रहा है वो का यो 32 साल चाहिए ही ना इसी ने बिया मेरे बना के बना हुआ था 32 साल चाहिए, देखिए दिमाग लगाए तो बना ना, दिमाग लगा और दिमाग वे पाओ आदि मामा ने लगाया तो कुछ भैया से पंगी तीन बनाइए पांच चौबीस में कई जोड़ी कितना है भैया, देखिए ये हम बताए ना बच्चा ने ना पहले बताते हम का कितना पता न लगे, इस तरफ जा रहा है 32 भैया बना लिया, इस तरफ नहीं आ रहा है 32 ये अभी अच्छा अपना भी दिमाग लगा, ये वो है ये वो दिमाग लगा ये कोई है, चार में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, दो में दो जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना है अंदर 33 मिनट हो गया बना, खाली खाना बना ना आसान है कि नहीं, बस खाली क्या याद रखे पहाड़ा याद रखे, पहले पीस ना पहाड़ा लिख के लाए मेरे से, तो देख के आई याद कर जैसे तुमको याद हो, हम तो 14 तक याद कर आलू दे दे रूपा 15 नहीं नहीं कर रहा 15 20 तक आई याद 20 20 लिख के रहना है 20 तक, आप पूछो ना देखिए हमका काम है मोबाइल से बाइक खेला है, तो ये 5 मिनट का ये फिर जोड़ दीजिएगा 20 अभी से ना सुनो मैं कैसा है यार, मैं वो क्या है इस वो के बताने से कर दिया, वो बताने से करना ही है, बताने दिमाग वाला खेला क्या हो रहा है, छो क्या बना लेंगे अभी, क्या है नहीं बना लिया
से तो नहीं करता हूं ए मैं ही हूं खा रहा हूं एक्स एक्स की वजह मैं कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स की वजह मैं वाला भी फंस गया अच्छा देखते हैं नहीं मिले नहीं मिले पांच एक्स में है मैंने तो पांच में से दो कटेगा छह एक्स एक्स स्क्वायर हां भैया पास हो गया नहीं एक्स ये तो हो गया एक बार हमको बताइए तब छो नमस्त सत्रह सत्रह अठारह एक ना तीन अठारह अठारह सत्ताईस चौदह चौदह कैसे होगा जी कैसे नौ जल्दी आप लोग शांत रहिए नहीं तीन गोला की मैच हमें गलती है बाप रे कैसे बैठल है छ बजे वाला है थोड़ा नहीं अपनी जवान रही है ऐसा बोले तो है कौची का मुनि रोटी का सब भी ऐसा ऐसा बोलता है पक्का गुस्सा बोलता है सब बोलते हैं मुझे आज इस फिल्म में बुक दर पावा जी के टूटने लगे बुक करा दिया पर जो से आए कहाँ है अरे तो कहाँ नहीं है राजी ये छोड़ो चार उतरो से बत्तीस चाहिए एग्जाम्पल में आप कहीं जाए तो मैं
खाली लाता है और कुछ कॉपी किताब नहीं लाता है। हम भी खाली मैथ पढ़ने के लिए खाली और स्कूल में खाली मैथ खाली मैथ हां कुछ एकदम दिमाग नहीं है जान रहे यहां पे रहती वाले तो एकदम का है तुम इतना कुछ नहीं है। चल 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 लग रहा एकदम नौटंकी अरे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए बैचलर का मतलब क्या होता है बैचलर मतलब अविभाजित अविभाजित सर मतलब सर महोदय सर का मतलब मिस्टर मतलब श्रीमान श्रीमान मिस्टर मतलब श्रीमान मिसेज मतलब श्रीमान क्यों श्रीमती मिसेज मतलब श्रीमती मैडम मतलब मैडम मतलब महोदय 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 मतलब टीचर। आगे बताना है मेड मतलब मेड मतलब अविवाहित अविवाहिता बोलते हैं ठीक है ना मेड का मतलब अविवाहिता आगे बताइए ब्राइड मतलब ब्राइड मतलब दुल्हन ब्राइडग्रूम मतलब दुल्हा ब्राइड मतलब दुल्हन लेस मतलब लेस नहीं लास मतलब लड़की लास मतलब लड़की और गर्ल मतलब भी क्या होता है लड़की सिस्टर मतलब बहन ब्रदर मतलब भाई मदर मतलब माँ माता ब्रदर मतलब माता ब्रदर मतलब भाई मदर मतलब माता आगे बताइए हीरो मतलब नायक 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 आगे बताइए हीरो वाला स्वाद बढ़ रहा है सुनना ना नायक ग्रैंडफादर दादा दादा दादाजी दादा या नाना आगे बताइए ग्रैंडफादर मतलब दादाजी ठीक है ना या नाना जी बोलिए आगे बताइए ग्रैंड मदर मतलब दादी जी चाहे नानी जी ठीक ना आगे बताइए ग्रैंडसन ग्रैंडसन का मतलब पोता ग्रैंडसन मतलब पोता ग्रैंड डॉक्टर मतलब पोती फादर इन लॉ मतलब नतिनी फादर इन लॉ मतलब ससुर मदर इन लॉ मतलब सास मदर इन लॉ मतलब सास मदर इन लॉ मतलब सास बोलिए भाई दोनों नहीं बोल रहा है मिल्कमैन मतलब मिल्क मतलब दूध वाला आदमी नहीं बोलेंगे ग्वाला बोलेंगे क्या बोलेंगे ग्वाला दूध बेचता तो क्या बोलते हैं ग्वाला आगे बताइए वाशरमैन मतलब वाशरमैन मतलब वाशर मतलब धोना होता है धोबी धोबी वाशर मतलब धोबी धोबी वाशर मतलब धोबी ही गोट मतलब किसी को जाइए बोल दीजिए यू आर ही गोट मतलब क्या समझेगा तुम वह क्या है बकरा है आगे बताइए ही गोट मतलब बकरा सी गोट मतलब बकरी आगे मिल्क मैड मतलब मिल्क मैड मतलब मिल्क मैन मतलब होता है ग्वाला मिल्क मेड मतलब होता है ग्वाली आगे बताइएगा पेरेंट्स मतलब माता पिता हेन मतलब मुर्गी अंकल मतलब चाचा ओइल मतलब तेल ओइल मतलब तेल बोलिए ओइल मतलब तेल गोल्ड मतलब सोना गोल्ड मतलब सोना टीचर मतलब शिक्षक टीचर मतलब शिक्षक टीचर मतलब शिक्षक वुमेन मतलब वुमेन मतलब औरत 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 वुमेन मतलब औरत कैट मतलब बिल्ली कैट मतलब बिल्ली सुनिए ठीक रहेगा एंड मतलब चींटी स्कूल मतलब स्कूल विद्यालय 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 एंड एंड किंग मतलब राजा हाँ टाइगर मतलब बाघ सब लोग बोलिए ना कहाँ बोल रहे हैं अरे उसका आवाज आ रहा है ग्रैंडफादर मतलब दादा 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 ग्रैंड मदर मतलब दादी ए ए पावली सा
वॉशरमैन मतलब वॉशरमैन मतलब धोबी। आगे बताइए गॉड मतलब बकरी भगवान। गॉड मतलब भगवान भगवान। प्रिस्ट मतलब पृष्ठ मतलब पुजारी पुजारी। पृष्ठ मतलब पुजारी। अब बताइए पोएट मतलब कैसे मतलब पोएट 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 मतलब कवि। पोएट कवि कवि। गेम्स मतलब गेंदा गेंद। गेंद नहीं बोले गेम्स। गेम्स मतलब होता है राक्षस राक्षस राक्षस। क्या होती है गेम्स मतलब राक्षस। आगे बताइए लाइनेस मतलब लाइनेस मतलब लाइन मतलब लायन लायन मतलब आज समझ में। आगे बताइए एक्टर मतलब एक्टर मतलब अभिनेता एक्ट्रेस मतलब एक्ट्रेस मतलब अभिनेता एक्टर मतलब अभिनेता एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री अभिनेत्री। प्रिंस मतलब प्रिंस। प्रिंस का मतलब राजकुमार राजकुमार। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी राजकुमार। हंटर मतलब हंटर मतलब हंटर मतलब शिकारी। हंटर मतलब शिकारी। हंट्रेस मतलब शिकारिया शिकारी शिकारी मतलब लड़की शिकारी। लड़की शिकारी होगी ठीक ना। अगर कोई मेल आदमी अगर शिकार करेगा तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे शिकारी। और कोई लेडीज जो शिकार करेगी किसको क्या बोलेंगे शिकारी शिकारी भैया छुट्टी ना। आगे बताइए टीचर मतलब शिक्षक। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी विद्यार्थी या छात्र या छात्रा मतलब स्कूल होता है क्लास का मतलब वर्ग होता है। कच्छा कच्छा मतलब हिप मतलब चोर। हिप मतलब चोर। सिंगर मतलब गायक गायक गायक। राइटर मतलब राइटर। लेखक राइटर मतलब लेखक। बेबी मतलब बच्चा। चाइल्ड मतलब बच्चे बच्चा। बेबी का मतलब क्या होता है बच्चा। अच्छा मतलब क्या होता है बच्चा मतलब बेबी मतलब छोटा गोदे में खड़ा है ना। बेबी बेबी बोलिए चाहे चाइल्ड बोलिए दोनों एक ही मतलब पेरेंट्स मतलब गोदे में खड़ा है। पेरेंट्स मतलब माता पिता। अरे पर्सन मतलब पर्सन मतलब पुरुष पुरुष चाहे महिला दोनों बोल सकते हैं ठीक है ना। औरत या आदमी औरत या पुरुष दोनों को बोल सकते हैं। आठ मिनट होगा दीजिए ना चलो चुप रहो। बताइए ईट मतलब पीट नहीं बोल रहा है ईट। ईट मतलब ईटा। ईट मतलब खाना खाना हम ईट बोल रहे हैं। ड्रिंक मतलब पानी। ड्रिंक ड्रिंक मतलब पीना पीना मतलब पीना वहां से मत बोलिए फिर आवाज गूंजेगा। अच्छा ड्रिंक मतलब पीना पीना। डू मतलब करना। डू मतलब करना। रीड मतलब पढ़ना पढ़ना। उल्टा उल्टा बोलिए नहीं आ रहा है नहीं बोलिए हाइड बोल रहा है मतलब देना देना। गिव मतलब देना। बोलिए देना। अरे हमारे सेल मतलब सेल मतलब बेचना बेचना। कोई आदमी कुछ सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं सेल। सेल क्या बोलेंगे सेल। सेल का मतलब क्या होता है बेचना। सेल लग गया। गो मतलब जाना जाना। गो मतलब जाना। वाह कितना बार पुरुष कर दिया सब। जंप मतलब कूदना। रन मतलब दौड़ना। गो मतलब जाना। जंप मतलब कूदना। कम मतलब आना। कम मतलब आना। लीव मतलब लीव।
लीव मत, लीव मतलब रहना, रहना लव मतलब प्यार करना, प्यार करना प्यार करता है, प्ले मतलब खेलना, खेलना प्ले मतलब खेलना, डाई मतलब मरना, डाई मतलब मरना, मरना, नो मतलब, नो मतलब जानना, जानना जानना क्यों नहीं पढ़ते, सुन नो पढ़ते हैं, आई बंद हो गया, बाय बाय चला अभी निंजा चला बंद हो गया, ए भैया नहीं तो भैया कैसे करेंगे तो हो जाएगा, हाँ क्या चीज हो गया, छोड़िए ना भैया बस बोलिए माय गॉड, आइए बताइए इसको हमने कीजिए, अरे नहीं आ फोटो फोटो नहीं आ रहा, अच्छा फोटो आगे ना कीजिए, देखिए ना मुंह में खुश नहीं, बताइए डाई मतलब मरना, मरना डाई मतलब मरना, प्ले मतलब खेलना, नो मतलब नो मतलब जानना, जानना सिंग मतलब सिंगिंग, सिंग मतलब गाना, गाना सॉन्ग मतलब गाना, गाना सी मतलब गाना, लड़की देखना, सी मतलब देखना, अच्छा वर्क मतलब करना, काम करना, वीप मतलब वीकली, वीप मतलब रोना, वीप मतलब रोना, लाफिंग मतलब हंसना, लाफिंग मतलब हंसना, बीट मतलब रोना, बीट मतलब पीटना, पीटना पीटेंगे तब ना रोएगा, रोएगा तब ना हंसेगा, चलो बताइए बाई मतलब तमाई, बाई मतलब खरीदना, बाई कर दे किलो, टेक मतलब लेना, टेक मतलब लेना, गेट अप मतलब चेंज, गेट अप मतलब जागना, गेट अप मतलब जागना, डांस मतलब डांसिंग, नाचना, डांस मतलब नाचना, स्लीप मतलब सोना, स्लीप मतलब सोना, सो मतलब सोनी, देखना दिखाना, शो मतलब दिखाना, नहीं बोलते हैं शो मी मतलब कुछ मुझे दिखाओ, यू आर राइट, आगे बढ़िए, इल मतलब, इल का मतलब चलिए बताइए, इल मतलब बीमार, इल मतलब बीमार, गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, बिग मतलब बड़ा, तो धीरे धीरे ना खुद बात करेंगे तब ना डीजे बजेगा, टॉल मतलब टॉली, लंबा लंबा, लंबा टॉल होता है कि टेल होता है, टॉल होता है कि टेल होता है, बकवास क्या करे टैग, तुमको तो बिग नहीं करेगा, मैं बहुत तेजी कर रहा है, लोटे टॉल मतलब लंबा, टॉल मतलब लंबा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश, रिच मतलब रोशना, धनी, रिच मतलब धनी, धनी अमीर, गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड मतलब सोना, कोल्ड मतलब क्या होता है ठंडा, हॉट मतलब क्या होता है गरम, फैट मतलब क्या होता है मोटा, ऑनेस्ट मतलब पतला, ऑनेस्ट पतला, ईमानदार, ईमानदार, यंग मतलब लवना, यंग मतलब युवा, युवा युवा खेलता है, न्यू मतलब नया, काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु, स्वीट मतलब मीठा, सॉफ्ट मतलब छोटा, मिला मुलायम, सॉफ्ट मतलब मुलायम, पंखा चालू करो जी, मुलायम, व्हाइट मतलब आ, व्हाइट मतलब उजला, आवाज कर रहा है, व्हाइट मतलब उजला, उजला, रेड मतलब, रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब नीला, नीला, बैड मतलब बैडनी, बूढ़ा या बूढ़ा, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब लाल, लाल, शॉर्ट मतलब भी छोटा होता है, अगली मतलब आग, अगली मतलब क्रूप, 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 आगे सैड मतलब उदास, उदास, पुअर मतलब गरीब, पुअर मतलब गरीब, आगे बताइए थीन मतलब अमीर, रिच मतलब अमीर होता है, थीन मतलब पतला, फैट मतलब मोटा,
डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है? आई डिसऑनेस्ट बेईमान, बेईमान। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। आगे बताइए, ओल्ड मतलब? ओल्ड मतलब सोना। ओल्ड ओल्ड नहीं बोले, ओल्ड मतलब बुढ़ा। ओल्ड मतलब ओल्ड मैन। हे यू ओल्ड मैन, यू आर राइट। अब बुढ़ा क्लीन क्लीन का मतलब साफ। ब्लैक का मतलब काला। ग्रीन मतलब हरा। ब्राउन मतलब भूरा। दो मिनट के वीडियो पर गुड मतलब अच्छा। गुड मतलब अच्छा। जिसको याद रहेगा सब बोलेगा, अगर सबको याद है सब बोलेगा, ठीक है ना। अब देख, बिग मतलब बड़ा। बिग मतलब बड़ा। बिग मतलब बड़ा। टॉल मतलब छोटा। टॉल मतलब लंबा। शॉर्ट मतलब छोटा। शॉर्ट मतलब छोटा, मतलब मीडियम होगा। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अगली मतलब कुरूप। अगली मतलब कुरूप। रिच मतलब अमीर। अमीर। पुअर मतलब गरीब। पुअर मतलब गरीब। बोलिए, फैट मतलब मोटा। फैट मतलब मोटा। फैट मतलब मोटा। सीन मतलब मोटा कोल्टा कुछ होता है, पतला पतला। थिन मतलब पतला। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। बोलिए कसके, आप नहीं बोले, आप उनको, आपको नहीं बोले उनको बोले, आप जिसे बोले उसे बोलिए। यंग मतलब यंग मतलब युवा। युवा युवा। ओल्ड मतलब सोना। बुढ़ा ओल्ड मतलब बुढ़ा। गोल्ड बुढ़ा। न्यू मतलब नया नया। अभी ओल्ड मतलब बुढ़ा। देखिए, एक ओल्ड मतलब बुढ़ा होता है, एक ओल्ड मतलब क्या होता है, पुराना भी होता है, ठीक है ना, याद है ना। आगे बताइएगा, काइंड मतलब दयालु। दयालु। स्वीट मतलब मीठा। स्वीट मतलब मीठा। बेटर मतलब बीटर मतलब बीटर। बीटर का मतलब तीखा होता है। बीटर का मतलब तीखा। सॉफ्ट मतलब मुलायम। मुलायम। सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो बताइए, हार्ड मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड। सॉफ्ट मतलब मुलायम, तो हार्ड मतलब कड़ा। हार्ड मतलब कड़ा। कड़ा मतलब कड़ा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। मजबूत। वीक तो ऐसे, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, तो वीक मतलब कमजोर। वीक मतलब कमजोर। व्हाइट मतलब व्हाइट मतलब व्हाइट मतलब उजला। उजला। रेड मतलब व्हाइट मतलब उजला। एक मिनट आओ ना, बताइए व्हाइट मतलब उजला। ब्लैक मतलब काला। रेड मतलब लाल। ब्लू मतलब नीला। ब्राउन मतलब काला। भूरा। ब्राउन मतलब भूरा, ठीक है ना। अब बताइए, ब्रदर मतलब भाई। सिस्टर मतलब माँ। मदर मतलब माता। फादर मतलब पिता। राइस मतलब चावल। चावल। राइस मतलब चावल। वाटर मतलब पानी। वाटर मतलब पानी। ड्रिंक मतलब पीना। ड्रिंक मतलब पीना। अब बताइए, एक मतलब दूध। एक मतलब दूध। एक मतलब दूध होता है दूध। अंडा। अंडा। एक मतलब अंडा।